नमस्कार आदाब दोस्तों, ये जो स्क्रीन के ऊपर वीडियो आप लोग देख रहे हैं, ये वीडियो उत्तर प्रदेश के कानपुर से सामने आ रहा है, जहां पर इस मुस्लिम व्यक्ति को बीच चौराहे पर कानपुर की पुलिस पर आरोप है कि उसने इसकी पिटाई की है। और इसकी जो वजह है वो आगे हम आपको बताएंगे, खुद इन्हीं के बयान को सुना करके, जिसको सुनकर आपको समझ में आ जाएगा कि उत्तर प्रदेश की पुलिस किस तरह से और किस तरह की कार्रवाई कर रही है। साथ ही साथ जो दूसरी बड़ी खबर हम आपको बताने वाले हैं, ये खबर हरियाणा से सामने आ रही है, जहां पर एक बार फिर मुसलमानों के खिलाफ हिंसा भड़काने की कोशिश की जा रही है, उनका बायकॉट किया जा रहा है, इसका वीडियो आगे हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ जो तीसरी बड़ी खबर है, ये खंडवा मध्य प्रदेश से सामने आ रही है, जहां पर मस्जिद के सामने उत्पात मचाने का आरोप लग रहा है। किस तरह से एक यात्रा निकाली जाती है और उसके अंदर मस्जिद के सामने जाकर के अलूल जलूल नारेबाजी की जाती है, ये आगे हम आपको वीडियो के जरिए से दिखाएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे, आप लोग भाईचारा बना कर रखिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब अपने अपने धर्म को मानते हैं, सबकी अपने अपने धर्म में आस्था है, तो प्लीज किसी के धर्म के खिलाफ मत बोलिए, किसी के धर्म पर अपशब्द मत कहिए, किसी की भावनाओं को ठेस मत पहुंचाइए और इस वीडियो को शेयर भी करिए। बात करेंगे खबर की। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर यह आरोप पुलिस के ऊपर लगता है कि वो एक कम्युनिटी के लोगों को टारगेट करती है, यह मेरा अपना दावा नहीं है, लोग ऐसा आरोप लगा रहे हैं। लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक और वीडियो सामने आया है, जहां पर पुलिस के ऊपर आरोप लगा है कि उसने एक मुस्लिम व्यक्ति को बीच चौराहे पर पकड़कर पीट दिया है। किस तरह से, खुद मैं आपको पीड़ित जो व्यक्ति है उसका बयान सुनाना चाहता हूं, सुनिए, उसके बाद उसकी चर्चा करेंगे। देखिए यह वीडियो। और मैं पढ़ा के जैसे वापस होने लगा तो मेरी गाड़ी सबकी रोड पे खड़ी हुई थी और मेरी भी रोड पे ही खड़ी हुई थी बीच में, और जैसे काफ़ी भीड़ लगी हुई थी, गाली गलौज हो रही थी, तो मैंने चांद भाई से पूछा कि चांद भाई ऐसा क्यों हो रहा, तो उन्होंने कहा कि SHO वगैरह आए हैं और गाड़ियां वगैरह सबके हटवा रहे हैं, गाली गलौज कर रहे थे, तो इन्होंने क्या किया, मेरी गाड़ी का चालान इन्होंने काट दिया, और चालान काटने के बाद चांद भाई ने मेरे कहा कि जो है जब ये आगे चले जाएं तब आप अपनी बाइक उठा लीजिएगा, तो इन्होंने मेरी बाइक वगैरह को जूतों से और लातों से गिरा दिया। मेरी बाइक अभी डैमेज खड़ी है, आप प्रूफ बाहर देख सकते हैं, मेरी गाड़ी का तो वो डैमेज हो गई। जैसे मैंने अपनी बाइक को फिर उठाना चाहा तो इन्होंने फौरन मुझे मारा, गाल पे मारा, आप निशाना देख रहे होंगे, और चश्मा भी मेरा गिरा, टोपी भी मेरी गिरी, और जूतों से मेरे पैर में मारा, मैं इस वक्त चल नहीं पा रहा हूँ दिक्कत की वजह से, तो और गाली गलौज करके फिर मुझे थाने ले गए। ये SHO थे जो आए थे साथ में, अब ये नहीं पता मुझे कौन थे, एक वर्दी में थे एक बगैर वर्दी के थे, मुझे उनका नाम नहीं पता, शक्ल जानता हूँ उनका नाम नहीं जानता हूँ। मेरा नाम सिराज है। आप क्या मांग करते हैं? मैं तो ये मांग करता हूँ कि अपने हिंदुस्तान में जो हम लोग अमन की दावत देते हैं, अगर इस तरह से गुंडागर्दी होगी और जो न्याय कायम करने वाले हैं अगर यही गुंडागर्दी करेंगे तो हम आवाम कहाँ जाएगी, हम यही न्याय करेंगे कि इनको जो है सस्पेंड कर दिया जाए। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया है, इसमें सिराज नाम के इस व्यक्ति ने पुलिस के ऊपर आरोप लगाया है कि शायद रोड के ऊपर उसकी गाड़ी खड़ी हुई थी और वही पार्किंग वगैरह को लेकर के, ट्रैफिक वगैरह को लेकर के कुछ इशू हुआ, और उसके बाद पहले तो पुलिस ने सिराज की गाड़ी का चालान काट दिया, और उसके बाद पुलिस का जब दिल नहीं भरा तो पकड़कर सिराज की यहां पर पिटाई भी की गई है। मैंने आपको वीडियो दिखा दिया है, वीडियो में जो कुछ भी सिराज ने कहा है वो आप लोगों ने सुन लिया। इस तरह की चीजें उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस के द्वारा की जा रही है, ऐसा आरोप लग रहा है। खैर, इस पर पुलिस की तरफ से भी बयान सामने आया है, मैं वो बयान भी आपको सुनाना चाहता हूँ, पुलिस इस पर क्या कह रही, सुनिए, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। देखिए पुलिस का बयान। देखिए, थाना बेकनगंज में अभी एक मामला जो पहले प्रकाश में आया था, जिसमें पुलिस के ऊपर आरोप लगे थे कि बाजार की तरफ चौराहे पे जहाँ पे कुछ मारपीट की गई थी, जो हम लोगों ने जांच की तो पता चला कि ट्रैफिक का कुछ वहाँ पे इशू था, तो उसी को हटाने में कुछ विवाद हुआ था, बट क्योंकि गंभीर आरोप है, चौराहे पे मारने का अधिकार नहीं है, किसी को अगर कोई बात होती तो उसमें चालान करना चाहिए था, थाने पे लाकर विधिवत कार्रवाई करनी चाहिए, इसको हम लोगों ने संज्ञान पे लिया और इसमें जो भी कठोर कार्रवाई हो की जाए। शहर करते हैं वो भी आए, उन्होंने आपसे बात करी? देखिए, सारे जो यहाँ के गणमान्य लोग हैं वो भी आए थे, और जो पीड़ित पक्ष था उसको भी हमने बुला के बात की, तो अभी सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई, किसी प्रकार से कोई भी दुकान बंद करने या कोई चीज़ नहीं है, लोगों से अपील भी कि बिल्कुल नॉर्मल चलिए, आप जाएगी उसको करेंगे। क्या कोई ट्रांसफर की भी मांग करी गई है? देखिए, जो मांगे की गई उसको हमने अपने सीनियर अधिकारी को भी बता दिया, क्योंकि प्रकरण काफी गंभीर प्रवृत्ति का है, चौराहे पे मारपीट का है, तो इसको हम लोगों ने संज्ञान में लिया, उसमें सब कुछ ठीक नॉर्मल। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया, ये पुलिस की तरफ से जो क्लेरिफिकेशन दिया गया है उसका वीडियो है। इसमें देखिए,
थाना बेकनगंज में व्यापारियों द्वारा बाजार बंद किए जाने के प्रकरण एवं पुलिस कार्रवाई के संबंध में पुलिस उपायुक्त सेंट्रल महोदय द्वारा दी गई बाइट, ये आप लोगों ने सुनी है। पुलिस अधिकारी खुद ये बता रहे हैं कि मामला काफ़ी गंभीर है, इसलिए हम आगे फर्दर कार्रवाई कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो बयान पुलिस की तरफ से आया, इससे स्पष्ट है कि गलती किसकी है, आप समझ सकते हैं। अगली खबर की बात करेंगे दोस्तों, जो कि सामने आ रही है हरियाणा से। हरियाणा में एक बार फिर फसाद करवाने की कोशिश की जा रही है। एक समुदाय को दूसरे समुदाय के खिलाफ बाइकॉट करने का आह्वान किया जा रहा है, साथ ही साथ उनको उकसाया जा रहा है। किस तरह से, इसका भी वीडियो हम आपको दिखाना चाहते हैं। आप जरा ये वीडियो देखिए, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। देखिए, वो ध्यान देकर के सुन ले, अगर उनकी दुकान में कोई भी बाहरी मुसलमान काम करता है तुरंत उनको अपने दुकानों से निकाल दे, सिर्फ 2 दिन का समय। अगर उसके बाद किसी दुकानदार ने किसी मुसलमान को अपनी दुकान पे रखा, उसके दुकान के बाहर उसके बहिष्कार का पोस्टर हम लगाने का काम करेंगे और उसको कौम का गद्दार घोषित करेंगे। ये बात आप सोच लेना, जितने भी दुकानदार साथी हैं अपने दुकानों से मुसलमान कर्मचारियों को निकाल दे, अगर उन्होंने नहीं निकाला तो उनको कौम का गद्दार घोषित करके उनके दुकानों के बाहर पोस्टर लगाने का काम हम करेंगे। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। दोस्तों, आप लोगों ने ये वीडियो भी देख लिया है। इस वीडियो में जो व्यक्ति बयान दे रहा है, इसके गले में गमछा देखिए और इसकी शक्ल देखिए, और ये जो कुछ भी बोल रहा है, इसके मुंह से निकले एक एक शब्द देखिए। किस तरह से, अपनी दुकानों से मुसलमान कर्मचारियों को निकाल दो, नहीं तो तुम कौम के गद्दार कहलाओगे, ये इसने कहा है। साथ ही साथ इसके बाद मुल्ले काटे डैश 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 में आगे जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया, मैं नहीं करना चाहता। हिंदू क्षत्रिय हरियाणा हमारा घर है, ऐसे नारे लगाए गए हैं। अब इनके साथ सबसे चैलेंजिंग वाली बात तो यह है कि पुलिस खुद है और पुलिस सिर्फ मूक दर्शक बनी हुई है। पुलिस ने रोकने तक का यहां पर प्रयास नहीं किया है, ऐसा लोग आरोप लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं खुले हम नारेबाजी की जा रही है, और उसके बाद जब फसाद होता है तो किन लोगों के घरों पर बिल्डोजर चला जाता है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप बेहतर समझते और जानते हैं। तो हरियाणा का माहौल दिन ब दिन खराब किया जा रहा है, हरियाणा के अंदर लोगों को एक समुदाय विशेष के खिलाफ उकसाया जा रहा है, और यह सब कुछ खट्टर सरकार के रहते हुए किया जा रहा है, ऐसा लोगों का कहना है। आपकी अपनी इस पर क्या राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगला जो वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं, यह वीडियो मध्य प्रदेश के खंडवा से सामने आ रहा है, जहां पर मस्जिद के सामने जाकर के किस तरह से नारेबाजी की जा रही है, किस तरह से यहां पर झंडे फहराए जा रहे हैं, ये वीडियो भी हम आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए ये वीडियो और समझिए, आप देखिए समझिए सोचिए, उसके बाद हम आगे इसकी चर्चा करेंगे। देखिए वीडियो, कि दोस्तों आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया है। इस वीडियो में खैर वैसे तो कुछ नजर नहीं आएगा आपको, लेकिन एक पीछे मस्जिद जरूर दिख रही होगी। आप सोचिए काफ़ी दूर से ये लोग यात्रा, आरोप लग रहा है कि यात्रा निकाल कर लाते हैं, और जब मस्जिद करीब आ जाती है, मस्जिद के पास रुक करके ये खूब झंडा वगैरह लहराते हैं और वहाँ पर मतलब जो है नारेबाजी करते हैं और खूब मतलब जो है चीखते हैं। इस तरह की चीज़ें यहाँ पर की जा रही हैं। अब आप बताइए, मतलब पूरे रास्ते में आपने कहीं पर यह यात्रा नहीं रोकी, लेकिन जब मस्जिद आपने देख लिया तो आपने यात्रा रोक कर वहाँ पर मतलब जो है चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया है। इस तरह की चीज़ें की जा रही है। वैसे आपको पता होगा इसी यात्रा के दौरान तोड़फोड़ का भी मामला सामने आया है, जिसमें कई एक समुदाय विशेष के लोगों के घरों को टारगेट करने की भी खबर सामने आ रही है। खैर यहाँ पर भी बीजेपी की और शिवराज मामू जी की सरकार है, तो उम्मीद है कोई कार्रवाई होगी। आप इस पर क्या सोचते हैं, आपकी अपनी क्या राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।